हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे रियलिस्टिक यार जो आप लोग देख रहे हो। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आर्ट लाइन का एक पेंसिल, और यूज़ करेंगे नॉर्मल इरेजर, यूज़ करेंगे ब्लेंड के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प। तो ये सभी यूज़ करेंगे। तो ये जो हम पिक्चर ले लिया है ब्लैक एंड वाइट का, तो यही इस पिक्चर को हम ड्राइंग करेंगे। तो ड्राइंग करने से पहले एक बात बोलना है कि रियलिस्टिक यार जो है वो तो आपको देख के बस बनाना होगा, ऑब्जर्व करके। और यार का कुछ एक्यूरेट साइज़ नहीं होता, एक एक इंसान की एक एक यार में होता है। मतलब दुनिया में हर किसी इंसान की यार सेम नहीं होता, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का जिसका हिस्सा लंबा होता है। तो हम ये यार लिए है इसको ही बनाएंगे, पर ऐसे सेट्स जो करना है वो तरीका अपनों को देखना होगा। तो वो देख वैसे करने से रियलिस्टिक बन पाएगा। बात जो है कि रियलिस्टिक कैसे बनता है। तो अब हम आउटलाइन कर रहे हैं पेंसिल से, एजी पेंसिल यूज़ करके ही आउटलाइन कर रहे हैं। तो अब आउटलाइन हो जाता है पहले। तो आउटलाइन करना होगा, अब सेट्स देंगे। तो सेट्स के लिए हम पहले हल्का सा सेट्स देंगे, तो उसके लिए एचबी पेंसिल यूज़ करेंगे। तो पिक्चर जो जहाँ हल्का है वहीं पे हम हल्का सेट्स देंगे। तो अब सेट्स करते हैं धीरे धीरे प्रेशर करके पेंसिल को। हम हर वीडियो में कहा कि पिक्चर को फॉलो करना होगा, जो पिक्चर आप रेफरेंस में लेंगे तो उस पिक्चर को फॉलो करना होगा। तो हम भी इसे ऐसे ही इस पिक्चर को फॉलो करके ही इसे कर रहे हैं। तो फिर लाइट सेट्स देना तो हो गया, अब डीप करना है। मतलब पिक्चर में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ डीप है तो वहाँ मुझे डीप करना होगा। तो उसके लिए हम 6B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। तो अब थोड़ा प्रेशर देकर पेंसिल को चलाना पड़ेगा, तभी डीप होगा। तो जहाँ जहाँ पिक्चर में डीप है वहीं पे डीप करेंगे। फ्रेंड, आप लोग बिगिनर हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, पर आप लोगों को करने में फर्स्ट बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम हुआ था। बहुत प्रैक्टिस किए तभी अब ऐसा बन रहा है ये ड्राइंग। तो आप लोग भी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा था। मतलब हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही ड्राइंग के लिए भी प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना ही सेट होगा, धीरे धीरे हर चीज़ आप और अच्छा बना पाओगे। तो आप लोग ट्राई करना ज़रूर, और अच्छा नहीं हो तो हार मत मानना, ट्राई करते रहना, वैसे ही प्रैक्टिस करते रहना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और जाने के पहले एक लाइक करके जाना और कमेंट करके बोलना कि ये वीडियो कैसा था। अब वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। तो फिर अब ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करेंगे, और जहाँ जहाँ हाया मतलब वाइट छोड़ना होगा थोड़ा हाईलाइट के लिए, वह हम जीरो इरेजर नहीं, वो जो नॉर्मल इरेजर कहा था हम वही नॉर्मल इरेजर यूज़ किए। तो मेरा ड्राइंग मतलब रियलिस्टिक एयर बन गया।
आप लोग देखो हम कैसे बनाए, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिए और कैसे बनाई मेरा यार तो कमेंट करके प्लीज़ बोलिएगा। और स्टिल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और इस वीडियो को एक लाइक करके देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्राइंग के साथ, तब तक के लिए बाय।